Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video we will study your 8th class Social Science worksheet number 35, which date is 19th of February 2021. Students, जो आज की आपकी SST की worksheet number 35 आई है, ये आपके इतिहास से है, जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, जो हम के पिछले कई worksheet से पढ़ते आ रहे हैं 1870 के दशक से 1947 तक। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो अब तक हमने पढ़ा था उसके आगे का भाग देखते हैं। भारत छोड़ो और उसके बाद, भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसकी बात हो रही है। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू करा, है ना। जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो उसके बाद उन्होंने दूसरे तरीके से जो आंदोलन है उसको बढ़ाया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें, मतलब पहले वो इतने एग्रेसिव मोड में नहीं थे। पहले वो स्वराज चाहिए, इस तरीके से अपना शासन हो, इस तरीके से उदारवादी नीति थी, लेकिन अब उन्होंने क्या एक दूसरे तरीके से उसको कहा कि अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ो। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो, कि या तो आपको करना है, यानी कि या तो आपको अपना भारत आज़ाद कराना है या फिर चाहे उसके लिए हमें जान क्यों ना देनी पड़ी के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, है ना। तो अहिंसक ढंग से मतलब वो अभी भी ये नहीं है कि अब वो हिंसा कर रहे हैं, ये नहीं कि हिंसा कर रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अभी भी वो अहिंसक ढंग से, लेकिन जब तक हम कोशिश करेंगे जब तक कि हमारा भारत नहीं मिल जाता। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। अब अंग्रेज थोड़ी ना ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई उनके खिलाफ उनसे जो भारत पे उनका एकाधिपत्य था उसको छीन ले। तो उन्होंने गांधी जी को भी और जो उनके और नेता थे उनको भी जेल में डलवा दिया। इसके बावजूद आंदोलन फैलता गया, लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं, क्योंकि ये आंदोलन फैलता जा रहा था। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। संचार आप जानते हो, कम्युनिकेशन, है ना। आप ये देखिए इस तरीके का, ये अंग्रेज दिख रहे हैं आपको और ये भारतीय जिनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये अंग्रेज, इस तरीके की स्थिति थी उस टाइम भारत में। तो अब बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार बना ली, अपनी तरीके से बना ली। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि बस दबाना है उनके आंदोलन को, भारतीयों के आंदोलन को दबाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अंग्रेज उस तभी तो दबा सकते हैं जब चुनिंदा लोग किसी आंदोलन में शामिल हों, तो कोई भी सरकार उसको दबा सकती है। लेकिन जब एक जन आंदोलन बन जाता है, पूरा का पूरा उसमें भारत ही इन्वॉल्व था, तो वो उसे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। जो पश्चिम के इलाके थे और जो पूर्वी क्षेत्र थे, मुसलमानों के लिए एक अलग से स्वतंत्र राज्य चाहिए, उसका एक मांग आई और उस पर एक प्रस्ताव भी पारित हो गया। उन्हें ये डर लगा कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी अल्प होता है थोड़ा, जिनकी बहुत थोड़ी संख्या है, कम मुट्ठी भर लोग हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी कि अगर लोकतांत्रिक संरचना भी आएगी तो फिर भी उनकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, उनको इतने अधिकार नहीं दिए जाएंगे, वो हमेशा अल्पमत में ही रहेंगे। उनको यह भी भय था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिले, और उनको ये भी लग रहा था अगर सरकार बनती है, लोकतांत्रिक एक संरचना तैयार होती है, तो हो सकता है कि हमारे नुमाइंदे होंगे ही नहीं सरकार में, और हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे, हमें अधिकारों से वंचित ना कर दिया जाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु सरकार ने इस जो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करा, जिससे फासला और बढ़ गया। समझ रहे हो, अब 1937 में जो मुस्लिम लीग जो संयुक्त प्रांत में चाहती थी कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को माना ही नहीं, जिससे अब जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है उन दोनों के बीच एक खाई आ गई, मतलब एक फासला बढ़ गया। अब दोनों में अलग अलग उनकी मांगे हो गई। 1946 में दोबारा चुनाव हुए,
1946 में फिर से चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लोग लीग को बेजोड़ सफलता मिली। देखो, कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा ही था, लेकिन मुसलमानों की जो आरक्षित सीट पे थी उन पे बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, बहुत अच्छी सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलते रहे। जो लीग अभी भी अपनी मांग पर अटल थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, वो चाहते थे मुस्लिम के लिए अलग राज्य मिल जाएगा तो हमारे लोग भी सरकार में हो गए, हमारा अलग से राज्य होगा, हमारे हितों का ध्यान रखा जाएगा। अब पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्य परिसंघ भारत भेजा गया, है ना। ये 1947 की बात हो रही है, जब हमारा देश आज़ाद होने को था, और मार्च की बात है। तो ब्रिटेन ने क्या करा कि ये जो मांग है इनकी बात को समझा, और स्वतंत्र भारत का कि कैसा राजनीतिक होगा, क्या भविष्य होगा, कैसी क्या होगा, तो उसके लिए उन्होंने 3 सदस्य एक परिसंघ बनाया और उसको भारत भेजा ब्रिटेन से। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे। उसने ये सुझाव दिया कि भारत को विभाजित मत करो और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। मतलब वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान में ना बटे, बल्कि उनको कुछ और फैसिलिटीज दे दी जाएं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। कांग्रेस भी कई चीज़ें नहीं मान रही थी उसमें, और कई चीज़ें मुस्लिम लीग भी समझ नहीं पा रही थी उसको, वो नहीं मान रही थी कि हम इस पर एग्री नहीं करेंगे, वो सहमत नहीं थी। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था, मतलब अब होना ही था देश का विभाजन, क्योंकि दोनों ही नहीं मान रही थी, दोनों में फासले, दोनों में खाई आ गई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया कि अब तो हम आंदोलन करेंगे और पाकिस्तान को लेके ही रहेंगे, अपना पाकिस्तान बना के ही रहेंगे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। कब? 1946 की बात हो रही है, 16 अगस्त कि एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाएगा, और उसी दिन कोलकाता, यानी कि जो अब कलकत्ता है, जो पहले कलकत्ता था लेकिन आज कोलकाता है, में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई। अब क्या हुआ, अब मार्च आते आते ये शुरू कब हुई, 16 अगस्त 1946 को, और उसके बाद धीरे धीरे दंगे फैलते गए, और अब 1947 मार्च में इतने दंगे हो गए कि पूरे हिस्सों में क्या हो गई, हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए, लाखों लोग, बताए समझिए कितने लोग। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा, और औरत तो सबसे पहले आती है कि कोई भी अत्याचार होता है तो औरत कैसे बच सकती हैं, तो औरत भी उसमें, महिलाओं के भी इस बहुत सारी ऐसी थी अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए, और इस विभाजन का यही फर्क पड़ा कि जिन लोगों के घर थे अब उनको घर तो अपने छोड़ने पड़े, और अब दूसरों की उन्हें शरण में जाना पड़ा। और इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो अब भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन ये विभाजन की पीड़ा भी हमेशा के लिए, और हिंसा के साथ साथ, और हिंसा भी हुई, और ये सब चीज़ हमें झेलनी पड़ी। तो चलिए, ये तो हमने कर पढ़ लिया, इसका कंटेंट अब कर लेते हैं। इसके बड़े ही आसान से 4 प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे, गांधी जी ने आह्वान किया था कि अहिंसक ढंग से करो या मरो के सिद्धांत पर चलो, कई नेताओं को जेल के अंदर भी डाल दिया, पर इसके बावजूद आंदोलन और फैलता गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की? मुस्लिम लोगों ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की? क्योंकि उन्हें यह डर था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा ही गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हमेशा गौण की जगह आप क्या करेंगे, इस शब्द में यहाँ पे यह जो की लिखा हुआ था, यहाँ पे आप गौण करेंगे। ठीक है,
हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। तो ये लिख देंगे आप इस प्रश्न का उत्तर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया और इसके प्रस्ताव क्या थे। तो भारत की राजनीति परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेवल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर यह योजना तैयार करी जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया, और यही लिख देंगे आप इस प्रश्न के उत्तर में। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो ये होती है आपकी आज की SST की वर्कशीट, जो आपकी 19 फरवरी की है, वर्कशीट नंबर 35। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल, फ्रूटफुल एंड वेरी हेल्पफुल टू यू। तो बच्चों अब आपको भी 4 काम कर देने हैं। क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट लिख के बताना है कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं रही, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।